हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स बाय वेक एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दीपावली की। दोस्तों एसवी टेक वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे से और सेफ तरीके से मनाया होगा। और दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर यार वीडियोस नहीं आ रही थी कुछ दिनों से, तो दोस्तों मैं बता दूं कि यार दीपावली का त्यौहार है यार और सब साफ सफाई में लगे हुए हैं, सब खटपट खटपट कर रहे हैं, तो मतलब उसमें वीडियो बनाना मतलब बहुत जी का जंजाल हो जाता, तो उसमें वीडियो इसीलिए नहीं आ रही थी। और दोस्तों अब वीडियोज कंटिन्यूस आती रहेंगी। दोस्तों आप सोच रहे हो कि आज की इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं हम। दोस्तों आज की ये वीडियो है Redmi Note 5 Pro यूजर्स के लिए, जहां पे मैं बताने वाला हूँ आपको Redmi Note 5 Pro में Pixel 3 का मतलब Google Pixel 3 जो लेटेस्ट मोबाइल लॉन्च हुआ, तो उसका कैमरा का उसके कैमरे की APK गूगल कैमरा की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों उसको आप कैसे रन करा सकते हैं Redmi Note 5 Pro में, और यहां पर मैं आपको टॉप 3 एप्लीकेशन Pixel 3 के कैमरा की बताने वाला हूं। उसमें से कुछ मॉड होगी, कुछ एकदम डायरेक्ट स्टॉक APK होगी, जिनको आप Redmi Note 5 Pro में MIUI 10 के लेटेस्ट अपडेट के साथ चला सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बहुत ही मस्त तरीके से चल रही हैं एप्लीकेशंस, और इन एप्लीकेशंस में आपको बहुत गजब की वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी मिल रही है। दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और दोस्तों यहां पर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाला बटन दबाकर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और नए वीडियोस पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको कैमरा टू API को इनेबल करना होगा, और उसको इनेबल करने के लिए आप वीडियो ऊपर है डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में भी है, आपको देख सकते हैं वीडियो, मतलब वहाँ पे आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि कैसे आपको कैमरा टू API इनेबल करना है और बाकी सारी चीज़ें करनी है। वैसे इसमें आपको कोई रूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आ जाइए आप अपने मोबाइल में और जो मैंने लिंक में दी हुई है गूगल कैमरा एप्लीकेशंस आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड में वर्किंग में। तो यहाँ पे ये तीन एप्लीकेशन हैं और मैं इन तीनों एप्लीकेशन को वन बाय वन आपको प्रॉपरली इनके बारे में बताऊंगा इंस्टॉल करके, और मतलब वर्किंग क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और मैं ये प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल और जल्दी रखूंगा, मतलब कि आपका ज़्यादा टाइम भी मत वेस्ट होना, ठीक है ना, टाइम सबका प्रेशियस होता है। तो चलते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन की तरफ जो कि है गूगल कैमरा। आप वर्जन देख सकते हो 6.1.009 और इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, तो एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है एप्लीकेशन में कुछ खास। तो जैसे यहाँ पे परमिशंस मांग रहे हैं, परमिशंस को आपको हर ऐप में अलाउ करना होगा, 3000 परमिशंस आपसे मांगेगा फोटो वीडियो कैमरा सारी चीज़ों की, और यहाँ पर ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मोशन इनेबल है, तो मोशन को आप ऑफ कर दो, मोशन की कोई ज़रूरत नहीं है हमको भाई, हम बिना मोशन के खींचते हैं फोटो। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सारे जो पोर्ट्रेट कैमरा, तो कैमरे से मैं फोटो खींच के दिखा देता हूँ, ये कैमरा पोर्ट्रेट काम कर रहा है, फ्रंट कैमरा भी काम कर रहा है देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी काम कर रहा है और फ्रंट कैमरे में भी पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है देख सकते हो। उसके बाद पैनोरामा है, और पैनोरामा में नए तरीके से पैनोरामा दिया गया है, उसको आप ऑडियो भी आप कैप्चर करा सकते हो पैनोरामा में, मतलब आपको क्लिक करो और इधर जिधर बढ़ना है उधर बढ़ते जाओ, और उसके बाद आपका पैनोरामा ऑडियो के साथ क्रिएट हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो के ऑप्शन में आपको ऊपर की तरफ दो ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्लैश का और वाइड बैलेंस का, और फ्रंट कैमरे से भी यहाँ पे वीडियो चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अभी मोर में जाते हैं, मोर में सेटिंग में जाके दिखा देते हैं आपको। तो बैक कैमरा 12 और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये बैक कैमरा फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, 4K का ऑप्शन है लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता, आपको पता है क्यों नहीं सपोर्ट करता है। और ये फुल HD का रेजोल्यूशन है, फ्रंट कैमरे में वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन है, और एडवांस में आप देख सकते हो जो ऑप्शन हैं वो वही हैं, HDR का कंट्रोल शो हो सकता है यहाँ पे, सेव लोकेशन और स्टोर वीडियोज एफिशिएंटली, ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो अगर स्टोरेज कम है, डर्टी लेंस वार्निंग और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रिड है, जेस्चर्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो जनरल होती ही होती हैं, ठीक है ना। तो मैं बाकी इसके फ़ोटोज़ सैम्पल्स मैं आपको दिखा दूँ, तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे कि ये सैम्पल्स हैं इसके, ठीक है। बात करते हैं इसके मोर में और भी ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपको फोटो स्पेयर मिल जाएगा, जैसे कि आपको पता है 360 डिग्री फोटो लेने के लिए ये काम करता है, तो आप यहाँ पे टैप करके अलग अलग तरीके से फोटोज़ को कैप्चर कर सकते हो, मतलब पूरी 360 डिग्री, ठीक है। और मोर में आके यहाँ पे स्लो मोशन ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो स्लो मोशन ऑप्शन नहीं चलता है इसमें, स्लो मोशन सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में चलता है, वो आरनोवा 8G2 का वर्जन 5.1। तो फोटो बूथ का ऑप्शन दिया गया, लेकिन वो ढंग से चलता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चलता यार, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं चलता है, स्माइल कैप्चर नहीं कर पाता। नाइट मोड का ऑप्शन
दिया कि ये नाइट मोड का ऑप्शन बड़ा अच्छा है, क्योंकि क्या लाइट कैप्चर करता है ये, और नाइट मोड में आप चीज़ों को मतलब जैसे जहाँ पर बहुत कम लाइट है वहाँ पर आप अपने फ़ोन को स्टेबल हाथों में रख के क्लिक कर सकते हो। तो क्या आप कुछ ऐसे काम करता है, आपको फोकस करना होगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा तो ये सिंपल तरीके से क्लिक कर देगा फ़ोटो। हालांकि ये 6.0.009 वाला वर्जन है, तो यहाँ पर आपको थोड़े कम ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऑटो फोकस नियर फार। तो अभी यहाँ पे मैं दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बता दूंगा कि वहाँ पे आपका प्रॉपर लाइट कलेक्ट करता है और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस रेंडर करता है, हालांकि उसमें कुछ बग्स हैं वो भी हम बात बताते चलेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि यार ये तीन एप्लीकेशन क्यों रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि ये तीन एप्लीकेशन मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर मान लो कि तुम्हारा मोबाइल अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है पहली एप्लीकेशन या दूसरी एप्लीकेशन, तो तुम मतलब वो तीनों एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो और उसके बाद तुम देख सकते हो कि तुम्हारा मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन वर्क कर रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, और आपको शक ना हो इसलिए मैं सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेडमी नोट 5 प्रो एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0, और यहाँ पर MIUI वर्जन देख लो यार, MIUI 10 ग्लोबल है यहाँ पर 10.0.1.0। इसको मैंने अपडेट नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि MIUI 10.0.2.0 में बग्स हैं, बहुत सारे बग्स हैं, पबजी नहीं है, इसलिए मैंने इसको अपडेट नहीं किया है। वैसे आप अगर उस पर भी होगे तब भी ये वर्क करेगा। तो चलते हैं अभी अपने दूसरे एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पे देख सकते हो जो है इसका पैकेज नेम पिक्सल 2 मॉड है ये, ठीक है ना, इसमें पैकेज का नेम देख लो। तो इसको इंस्टॉल करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में भी आप सेम इंटरफेस देख रहे हो और यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं, तो मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैं सबसे पहले जो वर्किंग चीज़ें वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो कैमरा है आपका फ्रंट में बैक में काम करता है, देख सकते हैं आप, पोर्ट्रेट वर्क पोर्ट्रेट मोड में आपका कैमरा फ्रंट में बैक में काम करता है। यहाँ पे मैं फ़ोटो खींच के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, तो ये फ़ोटो खींच जा रही है। पैनोरामा वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर की तरफ आपको नए ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फेस रिटचिंग का सॉफ्ट नेचुरल और फेस रिटचिंग ऑफ, ये तीन ऑप्शन मिलते हैं अच्छे वाले। और उसके बाद मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर वीडियो यहाँ पर आपको कुछ नया मिल रहा है, 30 FPS और 60 FPS और ऑटोमेटिक FPS। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, इसको कर सकते हो। मोर में जाएं तो मोर में आप देख सकते हो फोटो स्पेयर जो बताया था मैंने, स्लो मोशन वर्क नहीं करता है, दिख जाएगा ऐसे स्क्रीन बट वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हम मोर में आते हैं, फोटो बूथ ये भी वर्क नहीं करता है, दिख जाएगा वर्क करते हुए लेकिन ये होता नहीं है यार ये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर नाइट मोड पे आते हैं, तो नाइट मोड पे आपको ये ग्रीन कलर की स्क्रीन दिख रही है, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि यार ये बकवास है, ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर की स्क्रीन सिर्फ आपको दिख रही है, ये कैमरा पीछे का ओपन है और प्रॉपर फोकस भी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं तो यार इसको मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने अभी फ़ोटोज़ खींची तो ये बहुत काफ़ी अच्छी फ़ोटो दे रहा है, लेकिन ये है कि ये दिखेगा नहीं इसमें आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप होल्ड स्टिल का उस कैप्चर किया फ़ोटो, तो यहाँ पर फोटो कैप्चर किया ना वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सही फ़ोटो कैप्चर किया। देखिए मैं कंपैरिजन में दिखा दूं, ये फोटो मैंने कैप्चर की है ये फ्लैश के साथ कैप्चर की है, ठीक है ना। अभी ये फोटो कैप्चर की है नॉर्मली, ठीक है, और ये फोटो है नाइट मोड में, और अगर जहां भी कम लाइट होगी तो ये तुरंत ही बता देगा कि यार लो लाइट है, आप नाइट मोड को ट्राई करो, ठीक है, तो वहां पर यह सजेशन काम आएगा। बट हालांकि ये है कि यार यहां पर आपको ग्रीन ही दिखेगा, फ्रंट कैमरा में भी काम करेगा ये, ऐसा नहीं है, फ्रंट कैमरा में भी ये काम कर रहा है, देख सकते हो आप, होल्ड स्टिल कह रहा है और कैप्चरिंग लाइट कलेक्टिंग लाइट जो भी कुछ है, तो यहाँ पे देखोगे काम करेगा ये। बट ये है कि यार यहाँ पर ये ग्रीन आपको दिखा देगा, ये एक थोड़ी सी बग कह सकते हो। बाकी सेटिंग में चलें तो यहाँ पे सेटिंग में देख सकते हो आप सेव लोकेशन, गूगल लेंस, जेस्चर, एडवांस में आपको वही नॉर्मल मिल जाएंगे ऑप्शन, HDR प्लस, कंट्रोल ड्रॉ प्लस, JPEG और स्टोर वीडियोज इफिशेंटली। और वैसे भी आपको पता होगा कि रेडमी नोट 5 प्रो के जो गूगल कैमराज की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है, तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप कमेंट करके उसको जरूर से ज़रूर बताओ कि यार ये कैमराज आपके फ़ोन में कैसे वर्क कर रहे हैं और आप इनका कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे एप्लीकेशन की तरफ जो कि है GCam Pixel 3 _1 Build 6.1.013। तो ठीक है, ये भी एप्लीकेशन हम ट्राई कर लेते हैं, और ये भी एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में सही चल रही है, मतलब Redmi Note 5 Pro में अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड कैमरा भी हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको ओपन करते हैं। तो आपको यहाँ पर भी कुछ परमिशन मांग रहा है, तो इसको दे दो परमिशन। परमिशन देने के बाद आपको नॉर्मल सा वही इंटरफेस दिख जाएगा Redmi Note 5 Pro में Pixel 3 कैमरे का।
तो यहाँ पे देख लो मोशन इनेबल है, मोशन को यार क्या करो ऑफ करो। मोशन वैसे काम करता है, मैं बता दूँ आपको, मैं इनेबल डिसेबल इसलिए कर देता क्योंकि मज़ा नहीं आती है उसमें। ठीक है, पोर्ट्रेट वर्क काम करता है, कैमरा काम करता है, वीडियो काम करता है फ्रंट में बैक में। ठीक है, और यहाँ पर आप फ्रंट बैक में 30 FPS और 60 FPS और ऑटो में फ्रेम रेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फोटोस्फीयर काम करता है, बहुत सही काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका स्लो मोशन नहीं काम करता है, देख सकते हो लैग हो जा रही है एप्लीकेशन। ठीक है ना, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फोटो बूथ की, तो फोटो बूथ भी यहाँ पे काम नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, नाइट मोड की बात करें तो नाइट मोड में यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक स्क्रीन देता है लेकिन काम करता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से कहूँगा काम करता है। यहाँ पर मैं क्या कहूँ, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस ट्राई किए बट मैं यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ये एप्लीकेशन में मतलब रेडमी नोट 5 प्रो के लिए काम नहीं कर रहा है नाइट मोड, पता नहीं ढंग से। तो एक्चुअली में ये फ़ोटोज़ तो खींच लेता है अच्छे से बट ये है कि यहाँ पर आपका, अब क्या कहूँ मैं, काम नहीं करता। सेटिंग में चलते हैं तो सेटिंग में दिखा देते हैं आपको, सेटिंग में कोई ज़्यादा नई चेंजमेंट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, वैसे मेरे पास मॉडेड वर्जन बहुत सारे रखे हुए हैं इसके गूगल कैमरा के, जिसमें जिसमें नाइट मोड काम नहीं करता है, और वहाँ पर आपको कुछ बीएसडी की सेटिंग्स भी मिल जाएंगी लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो यहाँ पे जो आपको एकदम स्टॉक में जो क्लियर ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 एप्लीकेशंस थी, Pixel 3 कैमरा एप्लीकेशंस फॉर Redmi Note 5 Pro वर्किंग इन MIUI 10 लेटेस्ट अपडेट। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर से जरूर लाइक करो, और चैनल पर अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो यार, और भी चीज़ें मिलेंगी यार यहाँ पे। और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है, या कुछ समझ नहीं पा रहे हो कैमरा TUI क्या होता है, किस कैसे इनेबल करते हैं यार, ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे यार, कमेंट करो यार, कमेंट करो यार, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ो, मैं तुम्हें सारे जवाब दूंगा, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और आपके सारी क्वेरीज को भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो दोस्तों मेरा नाम है विवेक और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली। चलो बाय।